जोरदार स्वागत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पुष्पहार अर्पण कर प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण कर भारत माता प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण कराए। सन्मान्य प्रभाकर कामले विनंती है कि अपन भारत माता प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण कराएं। सन्मान्य मंगला जंगले मैडम ये उपस्थित है, विनंती करते परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण कराए। सन्मान्य परमेश्वर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अनिल भगत साहब ये उपस्थित, विनंती है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमेला पुष्प अर्पण कराए। अमरीश मयूर इत बस बार हो तुम्हें सगे करतो। मी सन्माननीय संतोष शेट्टी साहेब यांना विनंती करतो की आपण प्रशांत दादा ठाकूर यांना पुष्पगुच्छ आणि शॉल देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद। यानंतर सन्माननीय माजी नगरसेवक समीर ठाकूर यांना विनंती आहे की त्यांनी प्रभाकर कांबळे यांना पुष्पगुच्छ शॉल देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। त्यानंतर राजश्री वाबेकर मॅडम आपल्याला विनंती आहे की शिवसेनेच्या नवीन पनवेल शहर अध्यक्ष बंदा जंगले मॅडम यांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं। त्यानंतर डॉक्टर कविता चौतमोल यांना मी विनंती करतो की आपण पनवेल शहराचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि मामा भगत यांना पुष्पगुच्छ आणि शॉल देऊन त्यांचं स्वागत करायचं। बोला भारत माता की वंदे। प्रशांत दादा आगे बढ़ो, एकच वादा। आज खऱ्या अर्थाने दिनांक 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी सन्माननीय पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा आज सर्वांनी सकाळी फॉर्म भरलेला आहे आणि त्या रॅलीमध्ये भव्य दिव्य संख्येने सर्व उपस्थित होता आणि पुन्हा एकदा वार्ड नंबर 16 मध्ये आज खऱ्या अर्थाने प्रचार आलीची सुरुवात आमदार साहेबांच्या प्रचाराची झालेली आहे आणि या प्रचार निमित्त उपस्थित सन्माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर मंचावर उपस्थित पनवेल शहराचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अनिलजी भगत आमच्या वार्डाचे सर्व नगरसेवक सन्माननीय किशोरजी चौतमोल सर्व युवा टीम महिला भगिनी सर्वच महिला कार्यकर्ते जे अगदी सकाळी 9 पासून इथे उपस्थित आहे सर्वांचं खऱ्या अर्थाने स्वागत। आपल्या पनवेलचा आवाज विधानसभेमध्ये बुलंदपणे हर प्रश्नावर बोलतात, प्रत्येक वेळेला अधिवेशनामध्ये सर्व दिवस उपस्थित राहून केवळ उपस्थितीने दाखवतात, प्रत्येक प्रश्न ते विधानसभेमध्ये मांडतात, पनवेलच्या प्रत्येक प्रश्नावर चर्चा करतात, महिलांचा असो युवाचा असो कुठलाही विकासाचा प्रश्न असो ते दादा आपल्याला पूर्ण केल्याशिवाय वचन दिलेलं ते आहे ते पूर्ण केल्याशिवाय राहत नाही। इतिहास को बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है। जिसने हर मुश्किल से जंग जीती वही सूरज बनकर चमकता है, वही सूरज बनकर चमकता है। धन्यवाद दादा। आणि आपल्या उद्धारासाठी ज्यांनी ज्यांनी जे योगदान दिलं, नगरसेवक बना, आमदार सभा मरा, नगराध्यक्ष बना, जबी से अपना प्रभात 16 के लिए आमदार सब ने बहुत काम किया। हर एक छठ पूजा होने दो, ओडिशा वाला का जगन्नाथ यात्रा का प्रोग्राम होने दो, अपना उत्तराखंड का प्रोग्राम होने दो, गुरुद्वारा का हर समाज का, मेरा कर्नाटक का संघ होने दो, तमिलनाडु का प्रोग्राम होने दो, केरला वाला का प्रोग्राम होने दो, आंध्रा वाला का प्रोग्राम, हर अपना प्रभाग 16 में कौन सा संस्था है, अपना बौद्ध समाज का कमल सब बेटा उस जो भी प्रोग्राम अंबेडकर जयंती होने दो, अंदर सब ने कभी आए नहीं बोल के ऐसा नहीं रहेगा अपना प्रभाग 16 में। और प्रभाग 16 का हर एक काम के लिए अंदर सब अपना साथ दे रहा था। कोरोना का टाइम में भी जो मोदी सबको आदेश आया, अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोग कोरोना होएगा तो घर पे नहीं बैठने का बोल के हमदार सबका अपनों को आदेश आया, अपन उस दिन से हर एक का घर पे प्रभाग 16 का कोई भी रहेगा सबको मालूम रहेगा, हर एक का घर पे दस दस बार गया रहेगा। और हमदार सबका एक
अवश्य अपना कर्नाटक संघ में कोरोना का वैक्सीनेशन सबसे पूरा पनवेल महानगर पालिका में सबसे हाईएस्ट हुआ बोलेगा तो अपना प्रभाग 16 का कर्नाटक संघ में 1 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन हो गया अपने को सर्टिफिकेट दिया प्रभाग 16 का कर्नाटक संघ के लिए ऐसा आमदार है प्रभाग 16 बोलेगा तो हर टाइम में प्रभाग 16 बोलेगा तो आमदार सबको बहुत ध्यान रहता है। अभी प्रभाग 16 के लिए महापौर मैडम जी जो नगर पालिका बन गया सबसे पहला आरक्षण के ऊपर महापौर बना अपना कविता चौतरा कविता चौतरा मैडम उसके बाद में वापस कविता चौतरा मैडम ने अच्छा काम किया बोल के वापस उसका महापौर बनाया। उसके बाद में मेरे को स्टैंडिंग चेयरमैन दिया समीर को प्रभाग अध्यक्ष दिया अभी राजेश्वरी मैडम को अपना पूरा पनवेल सिटी का महिला अध्यक्ष दिया ऐसा प्रभाग 16 के ऊपर बहुत ध्यान से अंदर सब ने काम किया आपका सबका एक एक वोट को जन से आपने एक वोट दिया उनको सबने महानगर पालिका इधर लाया और हर एक अम्बेडकर भवन रहने दो हर एक काम के लिए अपना आमदार सब ने बहुत कुछ काम किया। अभी आने वाला 20 तारीख को मतदान है अपना अभी कार्यकर्ता लोग तक गए रहेगा बहुत कम दिख रहे ठीक है फिर भी मेरे को दिल में हमारा प्रभाग का 16 लोग किधर भी कम नहीं पड़ेगा बोल के मैं आमदार सबको बोला आपका पाव लग गया हमारा प्रभाग 16 में सबसे पहला प्रचार के लिए सब कल से देखो लोग रोड में उतर के काम करेगा घर घर पे प्रचार करेगा बोल के आज अंदर सब बोलता नहीं प्रचार नहीं अब जल्लोश किया कुछ ऐसा आते टाइम बोल रहा था बहुत बजा बजा के आ रहा था बोल के नहीं बोला साहब आपका पाव रखा कल से हमारा काम है हर एक कार्यकर्ता को बोलते कल से अपन घर पे घर घर पे जाके प्रचार करने का अपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया अभी अंदर सब ने पहला बिल्डिंग प्रमुख बनाया उसके बाद में सेक्टर प्रमुख बनाया उसके ऊपर भी प्रभारी बनाया जो आपको वोटर्स के पास पहुँचने के लिए बहुत ईजी हो गए आपका हर एक बिल्डिंग का कितना वोट है किधर किधर वोट है बहुत हम लोग अभी तक काम किया 10,000 लोग तक स्लिप भी पहुंचाए प्रभाग 16 में सबसे पहला काम चालू किया आपको एक वोट भी एक एक बिल्डिंग है बिल्डिंग प्रमुख का आपको जिम्मेदारी है हम स्लिप देगा एक पूरा आपका सीट दे देगा आपका बिल्डिंग में कितना वोट है उसमें कलम बोली का रहने दो कमोटा का रहने दो कारगर रहने दो आपका जिम्मेदारी बनता है बिल्डिंग प्रमुख का उसके बाद में उसका सेक्टर प्रमुख का ये जिम्मेदारी से आप काम किया तो हम दर सबको बोल रहे ना लाख बोल रहे हैं कितना बोल रहे हैं आपका मेहनत से लाख नहीं 2 लाख भी आ सकते 2 लाख से भी जीत सकते आप सब जोर लगा के आप बोला मत मैं 1 लाख से जीतेगा जो मैं बोलेगा सब जीतेगा मगर आपका कितना जोर है उतना वोट से जीतेगा लाख 2 लाख नहीं 3 लाख से भी जीत आप जोर लगाओ आप कितना जोर लगा रहे उतना जोर से अंदर सब जीतेगा। दूसरा बात अंदर सबको आप एक एक वोट दिया मैं एक एक वोट के हिसाब बता रहे आपको सबसे पहला अंदर सबको आप वोट दिया एक वोट आपका अपना का पनवेल का फ्लाईओवर बन गया और एक आपका एक वोट आपका पनवेल का महानगर पालिका मिला आपका एक वोट आपको अंबेडकर भवन मिला आपका एक वोट कारगर का मेट्रो मिला आपका एक वोट अटल सेतु मिला आपको एक वोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला आपका एक वोट हमको राजीव गांधी मैदान मिला क्रिकेट के लिए आपका एक वोट अपना पनवेल प्रभाग 16 का 2-3 गार्डन का विकास हुआ आपका एक वोट अपना एक 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 वोट का भी अपने पनवेल का अंदर सबने आपको डबल करके आसान आपको पनवेल का पूरा नक्शे बदल देगा अंदर सब इतना मेरा वादा है। आपका पानी का समस्या है 6 महीने के अंदर आपका पानी का समस्या सॉल्व हो जाएगा वो भी हमारा प्रभाग का 16 लोग सिड़कों के सामने धरना बैठा था उसका बाद में 420 करोड़ का वो टेंडर हो गया अभी काम चालू है 6 महीने के अंदर वो काम हो जाएगा महिला लोग आश्रय आपको बहुत तकलीफ हो गया पानी का वो सॉल्व हो जाएगा 6-7 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगा पक्का वो काम चालू है हम भी 10 बार घूम के आए देख के आए अंदर सब खुद घूमा बोलो सब लोग जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम सबको नमस्कार।